सो बेटा आई वेलकम यू ऑल टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम. टुडे वी आर एंटरिंग इन टू डे 17th डे एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एरर स्पॉटिंग. बच्चे एरर स्पॉटिंग इज़ अ क्वेश्चन जिसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक. ठीक है, वी हैव सम टिप्स फॉर स्पॉटिंग एरर्स इन द गिवन पेपर. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दोज बेसिक टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट वी नीड टू अडैप्ट वाइल अटेम्प्टिंग द एनडीए पेपर. So I really want you people to be attentive so that I can share the tips with you and you can implement it practically so that हमारा जो accuracy है इस question को solve करने का वो 100% हो जाए. So बच्चे the very first question I really want to start discuss the very first tip I want to discuss with you is there are certain nouns being a singular form represent plurality or therefore take as plural verb in a sentence. अब कुछ क्या होता है कि कुछ ऐसे pronoun ऐसे nouns होते हैं बच्चे जो कि singular form में available होते हैं मगर उनका जो मतलब है वो plurality में निकलता है, उसको हम हमेशा plural count करते हैं. For example अगर हम बात करें police is group of people, है ना, group of cop को क्या कहते हैं, police कहते हैं. ठीक है, clergy, people, pleasantry और cattle, ये ग्रुप आ गया, ये एक चीज़ नहीं है, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूलर है. तो जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स, देन बेसिकली इसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो इसकी प्लूरिटी के हिसाब से ही लगेगा. ठीक है, अगर हम लिखते हैं पीपल हैज़ लेफ्ट तो पीपल के साथ हैज़ नहीं लग सकता, हैज़ किसके साथ लगता है, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसलिए ये गलत है, ये हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा. इसलिए पीपल हैव लेफ्ट इज़ द राइट फॉर्म ऑफ सेंटेंस विच हैज़ टू बी यूज. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड वाइल गोइंग विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर है बेटा जी? यस सर, यस सर. इफ यू टॉक अबाउट सेकंड रूल से सर्टन नाउन्स टेक द प्लूरल वर्ब बिकॉज ऑफ देयर प्लूरल फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, एमेंड्स, स्पेक्टिकल्स, थैंक्स. ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं बच्चे जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल के साथ ऑब्वियसली इसके जो हेल्पिंग वर्ब है यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव विद दी हेल्पिंग वर्ब. इसलिए हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था और उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था. डू यू रिमेम्बर बच्चे? यस सर. ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा बेटा जी. एग्जाम्पल है द स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग. अब स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग, इट इज इनकरेक्ट, है ना. तो स्पेक्टिकल्स है यानी प्लूरल है, ईएस लगा है तो क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब में, आर आएगा. तो आर विल बी कंसीडर एज करेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस. क्लियर है बेटा जी? यस सर. ओके, मूविंग टू द थर्ड रूल. द थर्ड रूल से व्हेन ए नाउन डिनोटिंग वेट, नंबर, मनी, लेंथ और मेजर इज फॉलोइंग ए नंबर, द नाउन फॉर्म डजेंट चेंज एज लॉन्ग एज अनदर नाउन और प्रोनाउन फॉलो इट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेटा मीटर की, तो मीटर्स इसके साथ जो है वो मीटर्स नहीं आता है. ठीक है, जैसे आई गिव यू एग्जाम्पल, दिस इज ए 9 meters स्केल, है ना. 9 meters कैसे आएगा, दिस इज अगेन इज इज बिंग यूज, तो इसके साथ तो मीटर्स के साथ एस नहीं आएगा ना, इसके साथ तो सिंगुलर होगा, एक ही स्केल है, है ना. दिस इज़ अ 9 meter स्केल इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस. इज इट क्लियर बेटा जी? यस सर. ओके, मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट सेज व्हेन द प्रोनाउन वन इज यूज, जब हम वन को एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं इट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द होल सेंटेंस. जैसे हम कहते हैं ना, अब ही के साथ क्या लगता है, हिज. ठीक है, शी के साथ क्या लगता है, हर. ठीक है, हर. वैसे अगर हम बात करें वन की तो वन के साथ क्या लगेगा, वंस. यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट रिगार्डिंग दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट. आई रीड फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर यू. वन मस्ट हेल्प हिज सिबलिंग्स. ठीक है, वन के साथ हिज कैसे आ गया बच्चे, ये तो ही लगेगा. ठीक है, वन मस्ट हेल्प वन सिबलिंग इज करेक्ट आंसर. क्लियर है बेटा जी? यस सर.
We are moving to the fifth point for living people. Whose is generally used, and for things that are non-living, which is used. ठीक है, लोगों के लिए जो लोग लिविंग और लिविंग बींग्स हैं, लिविंग पीपल हैं, उनके लिए हुज यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज होता है, विच यूज होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विच फोन इज केप्ट ऑन चार्जिंग, विच मतलब किसका फोन है ना, तो विच कैसे लगेगा, विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो इसका राइट क्या बनेगा, हुज फोन इज केप्ट ऑन चार्जिंग. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Is there any problem? No, sir. Okay. Moving to the sixth point. Sixth point says fewer is used for denoting number while less is used for denoting quantity. हम fewer कब use करते हैं? जब हम number को represent करते हैं. ठीक है? और हम less कब use करते हैं? जब हम क्वांटिटी को डोनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल नो लेस देन 30 डॉग्स वर, है ना, नो लेस देन 30. 30 क्या है, 30 इज क्वांटिटी, क्वांटिटी बेटा. 30 इज यस सॉरी 30 इज नंबर. यस सॉरी माय मिस्टेक. सो नो फ्यूअर देन 30 डॉग्स वर. अब फ्यूअर किसके साथ हम यूज करेंगे, नंबर के साथ. अगर यहाँ पे क्वांटिटी होती, सम होता, फ्यू होता, तो हम क्या करते हैं, हम लेस यूज करते हैं. क्लियर है बेटा जी? यस सर. ओके, मूविंग टू द सेवंथ पॉइंट. द सेवंथ पॉइंट सेज सेंटेंसेस आर ऑलवेज अपोजिट टू क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव देन द सेंटेंस इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आता है तो जो लास्ट वर्ड होता है वो नहीं दिया होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है ही इज ए बिट अर्ली, इजेंट डैश, इजेंट क्या आएगा, ही आएगा. ठीक है, अगर शी है तो इजेंट शी आएगा. वैसे ही इट्स ए बिट अर्ली, इज इट, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम पूछते हैं, मतलब कि हम नेगेटिव में पूछते हैं ना इसके बाद, तो यहाँ पे नेगेटिव बनाना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक चीज़ का ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट पे भी आपने अपना पूरा फोकस रखना है. इज इट क्लियर बच्चे? यस सर. ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट से इंस्टेड ऑफ हु और विच द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज आफ्टर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री. मतलब कि इसका मतलब है कि हु और विच की जगह जो अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चे, क्लास आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन. दीज दोज क्या होते हैं क्लास, दीज दोज बच्चे एक बार इसको पढ़ो. ओपन ओपन द कैमरा, एवरी वन ओपन द कैमरा बेटा. ओके, दीज आर द बेस्ट विच ही कुड गेट. नहीं, इट्स रॉन्ग. अब इसका सही वर्जन क्या है, दीज आर द बेस्ट डैट ही कुड गेट. तो सुपरलेटिव जब लगेगा तो सुपरलेटिव के एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, That आएगा. सुपरलेटिव डिग्री इज दी हाईएस्ट डिग्री. ठीक है बेटा जी? ओके, एज इज यूज बोथ बिफोर एंड आफ्टर दी एग्जेक्टिव टू शो इक्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल एज जो है वो यूज होता है पहले भी और बाद में भी एडजेक्टिव के. जब भी एडजेक्टिव होगा और उसके पीछे एज लगा होगा तो उसके बाद में भी एज लगेगा. क्यों? क्योंकि वो उसकी इक्वालिटी शो करेगा. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई कैन राइट एज फास्ट इफ नॉट फास्टर दैन हर. गलत है. क्या होगा, आई कैन राइट एज फास्ट एज, तो एडजेक्टिव क्या है, फास्ट, इसके पीछे भी क्या लगेगा, एज, और इसके बाद में भी क्या लगेगा, एज, इफ नॉट फास्टर दैन हर.
करेक्ट है बच्चे? यस सर। ओके, टेंथ क्या है? दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय येट। दो जब लगेगा तो हमेशा उसके साथ क्या आएगा? येट इन ए सेंटेंस, नॉट बाय बट। दो के साथ कभी भी बट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो ही इज रिच बट ही इज काइंड, गलत है। दो ही इज रिच येट ही इज काइंड, तो दो के साथ क्या लगेगा बच्चे? हमेशा येट आएगा। तो पेपर में आपने इस चीज का ध्यान रखना है, अगर बट आ रहा है तो बट को किस में आप कन्वर्ट करेंगे? बट को आप चेंज करेंगे येट में, ठीक है? सर, येट का मीनिंग क्या होता है? बच्चे, दो इज ऑलवेज फॉलोड बाई येट। येट का मतलब होता है कि फिर भी, हिंदी में वो बहुत अमीर है मगर फिर भी वो काइंड है, राइट? येट का मतलब होता है बच्चे फिर भी, दिस ई, राइट? क्लियर है बेटा जी? ओके, कमिंग टू द 11th पॉइंट। 11th पॉइंट सेज नॉट इज नेवर यू। यस बच्चे, सर फिर भी का मतलब नेवरदीलेस नहीं होता बेटा? येट येट यू नो, एक सेंटेंस का मतलब, जो वर्ड का मतलब जो है वो सेंटेंस के हिसाब से होता है। आप इसको सर्च करो गूगल में सेंटेंस को, और इसको ट्रांसलेट करो हिंदी में क्या लिख के आता है। ओके बच्चे, ओके, आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलता हूं वी नीड टू फिल दीज गैप्स इन द वॉल, या वी नीड टू फिल द गैप इन आर रिलेशन, तो दोनों का सेंटेंस क्या है? दोनों का मतलब क्या निकलता है निहारिका? यस सर। बेटा अगर मैं कहता हूं कि वी नीड टू फिल द गैप इन दिस वॉल, क्या मतलब है सेंटेंस का? इस दीवार पे जो गैप है उसको फिल करना है ना, तो गैप क्या हो गया? कोई दरार होगी, है ना, वॉल की। अगर मैं कहता हूँ कि वी नीड टू फिल गैप इन आर रिलेशन, क्या मतलब हो गया? अपना रिलेशन सही करना। तो बेटा वर्ड का मतलब चेंज हो गया ना एज पर सेंटेंस? चेंज हुआ नहीं हुआ? यस सर। सो इंग्लिश में ये एक बात है कि जो वर्ड है वो सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है? ओके, सो नॉट इज नेवर यूज विद यूजलेस, अनलेस, सॉरी, नॉट कभी भी किसके साथ यूज नहीं करते हैं? अनलेस के साथ, एज अनलेस एक्सप्रेसेस अ कंडीशन दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। अनलेस एक ऐसी कंडीशन को एक्सप्रेस करता है जो कि हमेशा किस में यूज होती है? नेगेटिव सेंस में। तो बच्चे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू डू नॉट पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। तो ये आपको पढ़ने में सही लगेगा मगर ये ग्रामेटिकली गलत है। सही क्या होगा? अनलेस यू पे द फाइन यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। तो नॉट के साथ क्या नहीं आ रहा है? अनलेस नहीं आता है साथ में, ठीक है बच्चे? क्लियर है? ओके, मूविंग टू द 12th पॉइंट। द 12th पॉइंट सेज व्हाइल इम्प्लाइज ए ड्यूरेशन ऑफ डूइंग समथिंग एंड व्हेन डोनेट्स ए जनरल सेंस। व्हाइल क्या होता है? व्हाइल किसी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना तो उसकी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और व्हेन क्या करता है? व्हेन डोनेट करता है ए जनरल सेंस को, मतलब कि व्हेन मतलब कि कब, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब किसी ड्यूरेशन की बात, ये मतलब टाइम की बात हो रही है, वो ड्यूरेशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ व्हेन लर्निंग हाउ टू बॉक्स द टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, गलत है। व्हाइल लर्निंग, लर्निंग के दौरान, दौरान, ठीक है, दौरान इज व्हाइल, कब इज व्हेन, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। दौरान इज व्हाइल, कब इज व्हेन। सो व्हाइल लर्निंग हाउ टू बॉक्स द टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, यानी कि लर्निंग के दौरान जो टेक्निक थी उसका, उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, उसको महत्व देना चाहिए। क्लियर है बेटा जी? यस सर। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द पॉइंट्स बच्चे डैट वी डिस्कस टुडे इन द क्लास?
नो सर सो बच्चे विल डू सम प्रैक्टिस।